नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पर एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है। इसमें हम इस पाठ से संबंधित कुछ अच्छे प्रश्नों और उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए अब आज का पहला उदाहरण देखें। इसमें हमें चित्र में बनाए गए x, y और z परमाणुओं के परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और संयोजकता संबंधी जो जानकारी प्राप्त होती है, उसे एक सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐसी एक सारणी बना लेंगे। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक के लिए आपको ज्ञात होगा कि किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वह उसमें कितने प्रोटॉन की संख्या है उसके बराबर होता है, यानी x में 5 होगा, y में 8 के बराबर होगा और z में 15 के बराबर होगा। दूसरा, द्रव्यमान संख्या। आपको यह ज्ञात होगा कि किसी भी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह उसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन की संख्या है उनका जोड़ होती है, यानी x में यह 5 प्लस 6 यानी 11 होगी, y में यह 8 प्लस 10 यानी कि 18 होगी और z में ये 15 प्लस 16 यानी कि 31 होगी। आइए अब संयोजकता देखते हैं। किसी भी परमाणु के अपने बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए उसे जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण करना होगा वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यदि आप x देखें, इसमें बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये इन तीनों को बाहर देकर हीलियम, जो कि एक नोबल तत्व है, उसके बराबर संरचना प्राप्त कर लेगा, इसलिए x की संयोजकता 3 होगी। जो y है उसमें बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले तो यह बाहरी कक्ष में अष्टक प्राप्त कर लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। अब यदि आप z को देखें तो इसमें जो हमारा बाहरी कक्ष है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, परंतु इसकी संरचना ध्यान से देखने पर आप देखेंगे कि ये फास्फोरस के बराबर संरचना है, यानी z हमारा फास्फोरस है। तो फास्फोरस में ऐसा पाया गया है कि ये अष्टक जो बाहरी कक्ष है उसमें प्राप्त करने के लिए या तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन बाहर दे सकता है जिससे उसका दूसरा कक्ष बाहरी हो जाएगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, या फिर ये तीसरे कक्ष में यदि 3 और इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास तीसरे में 8 हो जाएंगे, यानी बाहरी में फिर से अष्टक हो जाएगा, इसलिए इसकी 2 संयोजकता प्राप्त की गई हैं, या तो 3 या फिर 5। आइए अब अगला उदाहरण देखें। प्रश्न में हमें बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित बताने हैं। नील्स बोर द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल के मुख्य 2 अभिगृहित थे। पहला है कि केवल कुछ विशिष्ट कक्षाएं, जो कि इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षाएं कहलाती हैं, बस वही परमाणु में मान्य हैं। और दूसरा कि जो विविक्त कक्षाएं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन हैं, वे ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं और जो परमाणु में ऊर्जा स्तर हैं उनको वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। ये कक्षाएं अक्षरों K, L, M, N आदि या संख्याओं 1, 2, 3, 4 आदि द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, जो कि इस चित्र में भी दर्शाया गया है। आइए आज का तीसरा उदाहरण देखें। इसमें हमें सोडियम परमाणु और सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉन वितरण को चित्र द्वारा दर्शाना है और उनके परमाणु क्रमांक भी देने हैं। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। साथ ही यह पता होना चाहिए कि तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। साथ ही सोडियम में परमाणु में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो दोनों भी आपस में बराबर होंगी, यानी दोनों ही 11 है। अब नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन वितरण का चित्र बनाते हुए पहले हम नाभिक बनाएंगे, उसके बाद पहली कक्षा में नियम के अनुसार अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो वह बनाएंगे।
उसके बाद दूसरी कक्षा में नियम के अनुसार अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम वह बनाएंगे। अब हम 2 और 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बना चुके हैं, तो तीसरी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और यह सोडियम का इलेक्ट्रॉन वितरण का चित्र है। अब हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु की तीसरी कक्षा में से यदि ये एक इलेक्ट्रॉन हटा दें तो इसकी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी कक्षा ही बाहरी कक्षा बन जाएगी, यानी अष्टक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सोडियम परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन हटाने से हमें धनावेशित सोडियम आयन मिलता है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक में तो अभी भी 11 ही प्रोटॉन होते हैं। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉन वितरण बनाएं तो पहले हम नाभिक बनाएंगे, उसके बाद पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और दूसरी कक्षा में अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। साथ ही आप यह देख सकते हैं कि क्योंकि सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए दोनों का ही परमाणु क्रमांक 11 होगा। इसी के साथ यह प्रश्न हल हो गया। आइए आज का अगला उदाहरण देखें, जिसमें हमें हाइड्रोजन परमाणु और उसके नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात लगभग 1 लाख दिया गया है और परमाणु और नाभिक को गोलाकार मानते हुए हमें 2 भाग हल करने हैं। तो आइए पहले पहला भाग देखें। इसमें हमें उनके आकारों का अनुपात निकालना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले गोले का आयतन ज्ञात होना चाहिए, जो कि 4/3 × πr³ होता है, जहां पर r उस गोले की त्रिज्या है। साथ ही हम कैपिटल आर को परमाणु की त्रिज्या मान लेते हैं और छोटे आर को नाभिक की त्रिज्या। तो हमें प्रश्न में ही दिया गया है कि कैपिटल आर लगभग 1 लाख गुना छोटा आर है। अब हम परमाणु का आयतन अगर कुछ Vp मान लें तो Vp हमारा 4/3 × πR³ होगा, यानी 4/3 × πR³ को हम इसके बराबर डाल लेंगे और इस पूरे का क्यूब होगा, यानी कि Vp हमें 4/3 πR³ × 10^15 ज्ञात प्राप्त होता है। अब यदि हम जो नाभिक का आयतन है उसे Vn मान लें तो Vn केवल 4/3 × π × उसकी त्रिज्या का क्यूब यानी छोटे आर का क्यूब होगा। अब हमें इनके आकारों का जो अनुपात ज्ञात करना है उसके लिए हम Vp/Vn करेंगे, जो कि 4/3 π × r³ × 10^15 बाय 4/3 π r³ है। यहाँ पर 4/3 π और r³ कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमें अपना फाइनल आंसर 10^15 मिलेगा। आइए अब इस प्रश्न का दूसरा भाग देखें। इसमें हमें यदि परमाणु को पृथ्वी ग्रह की तरह दर्शाया जाए तो नाभिक के आकार की गणना करनी है और हमें पृथ्वी ग्रह की त्रिज्या इतने मीटर दी गई है। तो सबसे पहले हम यह लिख सकते हैं कि जो परमाणु का त्रिज्या होगी वह पृथ्वी ग्रह की त्रिज्या के बराबर यानी कि 6.4 × 10^6 मीटर है। साथ ही हम नाभिक की त्रिज्या जो हमने छोटा आर मानी थी उसको इस अनुपात का प्रयोग करके कैपिटल आर बटा 10^5 लिख सकते हैं, यानी कि इतने मीटर के बराबर लिख सकते हैं, जो कि हमें 64 मीटर प्राप्त होती है। इसी को हम जो नाभिक है उसके आकार की एक मात्रा मान सकते हैं। इसी के साथ यह उदाहरण समाप्त होता है।
आइए अब उदाहरण 5 देखें। प्रश्न के अनुसार गीगर और मार्सडेन की सोने की पन्नी वाले प्रयोग में जिसने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की राह दिखाई, लगभग 1% अल्फा कण 50 डिग्री से अधिक कोणों पर विक्षेपित होते पाए गए। यदि सोने की पन्नी पर 1 मोल अल्फा कण की बौछार की गई तो 50 डिग्री से कम के कोणों पर विक्षेपित हुए अल्फा कणों की संख्या परिकलित कीजिए। यानी हमें दिया गया है कि 50 डिग्री से अधिक कोणों पर विक्षेपित जो अल्फा कण है वे जो टोटल अल्फा कणों की संख्या है उसका 1% है। और अब हम कह सकते हैं कि 50 डिग्री से कम कोण पर जो विक्षेपित हैं उनका प्रतिशत 100 में से 1 निकाल दें यानी 99% है। साथ ही हमें यह बताया गया है कि बौछार किए गए अल्फा कणों की टोटल संख्या 1 मोल है जो कि हमें पता है 6.022×10^23 के बराबर है। यानी अब हम जो 50 डिग्री से कम कोणों पर विक्षेपित हुए अल्फा कण हैं उनकी संख्या निकालने के लिए हमें केवल 1 मोल का 99% निकालना है जो कि इस संख्या के बराबर होगा। और इसे यदि आप कैलकुलेट करें तो ये आपको कुछ 5.96×10^23 के आसपास मिलेगा। यह आपका उत्तर है। आइए आज का आखिरी उदाहरण देखें। प्रश्न में हमें रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग से निकाले गए निष्कर्षों की सूची बनानी है। यदि आपको रदरफोर्ड का यह प्रयोग याद हो तो इसमें उसने एक सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी और अब कण किन कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं उस पर आधारित परमाणु का एक मॉडल बनाया था। इस चित्र से प्रयोग कुछ मात्रा में दर्शाया जा सकता है। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष था कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी में बिना विक्षेपित हुए निकल जाते हैं, जो आप इस चित्र में दर्शाया गया देख सकते हैं कि अधिकांश सीधे ही निकल गए हैं। अगला निष्कर्ष था कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि परमाणु का धन आवेश बहुत कम स्थान में सीमित है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही कम कण हैं जिन्होंने अपना मार्ग परिवर्तन किया है। तीसरा निष्कर्ष था कि अल्फा कणों का एक बहुत छोटा अंश 180 डिग्री पर विक्षेपित हो जाता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि संपूर्ण धन आवेश और गोल्ड परमाणु का द्रव्यमान परमाणु में एक बहुत छोटे आयतन में केंद्रित है। आप देख सकते हैं कि बस यहाँ इस चित्र में एक ही ऐसा अल्फा कण है जो पूरे 180 डिग्री पर वापस आ गया है। ऐसे ही सभी कणों में भी ऐसे बहुत ही कम कण होंगे जिससे उसने यह निष्कर्ष निकाला। इन सब के साथ उसने अपने प्रयोग से यह परिकलित किया था कि जो नाभिक का त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के लगभग 10^5 गुना कम होता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह विषय समाप्त होता है। दोस्तों, यह हमारा एक नया सेक्शन है जिसमें हम आपकी अंग्रेजी की शब्दावली में कुछ नए शब्द जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का पहला शब्द है इलैबोरेट, जिसका अंग्रेजी में मतलब है वेरी कॉम्प्लिकेटेड या डन और मेड वेरी केयरफुली, यानी विस्तृत, यानी कि जब कुछ विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया हो या बहुत सावधानी से निर्मित किया हो या बहुत ही परिष्कृत हो तब उसे बहुत ही विस्तृत कहते हैं। और आज का दूसरा शब्द है एक्सप्लोर, टू इन्वेस्टिगेट, स्टडी और एनालाइज, लुक इनटू, यानी अन्वेषण करना, अर्थात किसी घटना या विषय के मूल कारणों या रहस्यों का पता लगाना। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे आपकी कुछ मदद हुई। कोरोना के इस समय में सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।